इतनी पॉपुलेशन होने के बाद में किसान खेतों को बार बार यूज करता है कि जो 2 साल 2 बार खेती की जाती है वो 4 बार करता है, उसमें हाइब्रिड बीज का यूज करता है फल और सब्जियों को उगाने के लिए, वो फल और सब्जियों को उगाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का यूज करता है, तरह तरह के केमिकल्स यूज करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश और हरा बिल्कुल उनके नेचुरल कलर में रखने के लिए कलर्स का यूज करता है, और पैकिंग फूड और अपना दूध जो कि कभी फ्रेश नहीं आता, प्योर नहीं आता, और उससे फिर मिठाइयाँ बनती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इफेक्ट करती हैं। अब आती है कि इस हर्बल लाइफ में केवल एक व्यक्ति ही नॉर्मल व्यक्ति काम नहीं करते, इससे में एक साइंटिफिक लीडरशिप भी है, साइंटिफिक लोग भी काम करते हैं, जिसमें से बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इसमें काम करते हैं, जिसमें से मैं 2 का नाम लेना चाहूंगी। पहले है डेविड हेबर जो कि चेयरमैन है न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड की, जो कि चेयरमैन है एक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के, न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड की, न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन है, और इन्होंने एक ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च किया कि एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहते हुए कितने न्यूट्रिशंस की और कब कब जरूरत रहती है। सेकंड में आते हैं लुईस इग्नारो, जिन्होंने हर्ब पर रिसर्च किया कि हर्ब को सही रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए किस किस न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो ये तो हुए अपने वर्ल्ड के टॉपेस्ट साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बताना चाहूंगी जो कि डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीज के डिपार्टमेंट के हेड हैं और जो इंडिया के हैं और जिन्होंने बीसी रॉय अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी लिया हुआ है, जिनको अवार्डेड किया गया है इनसे, और जो अपने भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर्स के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर अनूप मिश्रा, उनके लिए एक बार तालियां। अब आता है कि इस बिजनेस को करते हुए और इस बिजनेस में इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए कितने लोगों ने हेल्थ ली और कितने लोगों ने वेल्थ ली और कितने लोग सक्सेस हुए, तो उनकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे। तो एक बार तालियां इनकी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी फिटनेस कोच मिस्टर बीरेंद्र सिंह सर, प्लीज कम ऑन स्क्रीन एंड शेयर योर स्टोरी। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप सभी लोगों को। एक्चुअली इधर थोड़ा लाइट